देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, अब तक तो आपने मुख्तलिफ ब्रांड्स के पिज़्ज़े टेस्ट किए होंगे, तो आज अब मैं आपको एक स्पेशल जगह लेके आया हूँ जो है भट्टी वाला पिज़्ज़ा। आइए इसकी स्पेशलिटी अब बताते हैं आपको, आइए अंदर चल के बताते हैं। जी तो दोस्तों, इस वक्त हम नान एक्सप्रेस के अंदर आ चुके हैं और ये देखें ये पिज़्ज़ा किस तरीके से बन रहा है, और ये देखें अब स्टार्ट हो चुका है। आइए इसकी क्या स्पेशलिटीज़ है, आइए हम इनके ओनर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इसकी क्या स्पेशलिटी है? बेटा ये एक कैल्ज़ोन बन रहा है, चिकन एंड चीज़। ठीक है, फोल्डेड होता है, ये 4 स्लाइसेस होता है और ये फुल लोडेड चीज़ से होता है ये ना। और मोस्ट रनिंग आइटम हमारा ये है कैल्ज़ोन स्मोकी एलोपिनो, ये मोस्ट रनिंग आइटम है नान एक्सप्रेस के ना। और कैल्ज़ोन जो है नान एक्सप्रेस की पहचान बन चुका है। इसके अंदर हमारी सॉस जो है हमने खुद तैयार करी हुई है, और जो भी मैं इसके अंदर रॉ मटेरियल डल रहा है वो जो है बिल्कुल आप ब्रांडेड है, और कोई लोकल चीज़ इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करी हुई है। चाहे आप चीज़ देख लें, जिसने अगर हम चेक भी करना है हम वो चेक भी करवाते हैं, और लोगों को सामने इसलिए बनाते हैं कि कोई ऐसी चीज़ इसके अंदर नहीं डल रही है जिसके अंदर कोई उनको कोई नुकसान पहुँचे। तो ये अभी ये कैल्ज़ोन बिल्कुल रेडी हो जाएगा कस्टमर का, फिर आप कस्टमर से भी जाके रिव्यू लें। अच्छा, ये आपके ये जो नान एक्सप्रेस है, ये आपका ये जो भट्टी वाला पिज़्ज़ा है, ये आपका आपके जहन में आइडिया है इसका कैसा है? बेटा ये ज़्यादातर लोग जो तुर्की में लोग जिन्होंने विज़िट किया होगा या इटली में विज़िट किया होगा, तो ये पिज़्ज़ा बनता ही ऐसी है। और जब शुरू में जब पिज़्ज़ा निकला था इटली से, तो पहले इस टाइप का पिज़्ज़ा होता था, फिर मॉडिफाई होते होते फिर ये मैदे के अंदर आ गया, लेकिन हमने इसको नान के अंदर शुरू किया। पुरानी रवायत को दोबारा हमने लोगों के सामने लेके आए हैं। फिर इसको जो इटालियन होता है उसके अंदर चिकन नहीं होती है, तो हमने ये पाकिस्तान के मुताबिक उस हिसाब से हमने टेस्ट बनाया है और लोगों ने काफ़ी हमें पसंद किया है। अच्छा, इसके ऊपर जो ये जो अभी बटर लगाया है इसकी क्या लॉजिक? इसकी बटर ये है कि इसके अंदर जो रेडिश पना आता है तो बटर से ज़्यादा अच्छा पकता है। जी तो दोस्तों, आपने देखा इन्होंने किस तरीके से भट्टी में रखा है, ये देखते हैं कि कितनी देर में ये तैयार हो जाएगा। जी तो दोस्तों, यहाँ पे दूसरे फ्लेवर का भी पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है। जब तक ये पिज़्ज़ा बन रहा है, आइए हम दूसरे फ्लेवर के भी पिज़्ज़े आपको दिखाते हैं। जी ये कौन से फ्लेवर का पिज़्ज़ा? ये रेड बेस के अंदर जो है ये चिली ब्लास्ट बन रहा है, और वाइट बेस के अंदर ये स्पेशल हमारी सॉस होती है, ये स्मोकी चिकन बन रहा है। ये बिल्कुल पिज़्ज़ा स्टाइल के अंदर है। दो इसकी जो है नान के अंदर है, और टॉपिंग सारी पिज़्ज़ा की है इसके अंदर। तो ज़्यादातर जो स्मोकी हमारा ज़्यादा रनिंग आइटम है, चीज़ ब्लास्ट ऑन द डिमांड, लोग जो ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, एक्स्ट्रा स्पाइसी होता है चीज़ ब्लास्ट। और स्मोकी जो है हमारा नॉन स्पाइसी है, अगर कस्टमर कहता है कि लाइट स्पाइस कर दें, मीडियम कर दें, फुल स्पाइस कर दें, तो उस हिसाब से हम कस्टमर के कहने के ऊपर वो स्पाइस हो जाता है। अच्छा, इनके इन पिज़्ज़ों के प्राइसेस कितनी हैं? ये 370 ईच है। कैल्ज़ोन हो गया, चीज़ ब्लास्ट हो गया, एलोपिनो फीस्ट हो गया, स्मोकी हो गया, मशरूम हो गया, ये 370 के हमारे ये पिज़्ज़ा हैं। अच्छा, ये जो आपके पिज़्ज़ा हैं सारे 370 के हैं? देखें, जो कबाब माइंडस है वो 500 का है, सुपर डुपर है 550 का, पेपरोनी बीफ में भी है, चिकन के अंदर भी है, पेपरोनी स्लाइसेस होते हैं, और 450 का पेपरोनी है, सॉसी डिलाइट है जिसको हॉट डॉग्स को हम पीसेस करते हैं तो वो 400 का है, और लेकिन मैक्सिमम हमारे ज़्यादा 370 के पिज़्ज़े हैं।
अच्छा आपकी और कितनी ब्रांचेज हैं बेटा? ये पहली ब्रांच है ये हमारी, सही है। सेकंड ब्रांच हमारी नॉर्थ नाजाबाद के अंदर है, जो इंशाल्लाह के अभी टेम्प्रेरी तौर पे इसको क्लोज किया हुआ है के, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ के अंदर वो वर्किंग के अंदर आ जाएगी। अच्छा अभी जो, अच्छा अगर जो होम डिलीवरी कराना चाहे उसके क्या तरीका है? हमारा फेसबुक के ऊपर नंबर वगैरह है और हमें ऑर्डर करें, फूड पांडा के ऊपर भी हम लोग मौजूद हैं। अच्छा अगर ये यहाँ पर टेक अवे करना चाहे और अगर डाइनिंग करना चाहे तो उसका आसान तरीन जो गुलिस्तान जौहर पे जो आपकी ये वाली ब्रांच है तो उसका आसान तरीन रास्ता बताएंगे? आसान तरीन बिल्कुल बिल्कुल आसान है। गुलिस्तान जौहर के अंदर मशहूर है बिन आशिम बिन सफ़ीर, ये मोस्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। बिल्कुल इसके सामने हमारा बिन हाशिम के सामने ये छोटा सा स्टॉल टाइप का देख लें है, सिटिंग हमारे पास सिटिंग भी पूरी अरेंज है, और बिन सफ़ीर के बिल्कुल साथ हमारा बिल्कुल ये क्लॉट सेट छोटा सा के जिसने अगर आना है मुनव्वर चौरंगी पे आ जाए, और बिल्कुल सामने बिन हाशिम के बिल्कुल सामने और बिन सफ़ीर के बिल्कुल साथ है हमारा जी। तो दोस्तों मैं कस्टमर के पास आ चुका हूँ, आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, ये जो आप आए हैं नान एक्सप्रेस पिज़्ज़ा पे, तो ये आपको कैसा लगा, मतलब आपने टेस्ट किया कभी पहले? जी बिल्कुल, मैं इनके पास सेकेंड दफ़ा आया हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तो एक वीडियो के थ्रू ही मैं इनके पास पहुँचा था, काफ़ी देखा कि लोग भी काफ़ी कह रहे हैं कि भाई इनके पास जाइए देखिए और टेस्ट कीजिए, तो मैंने ऐसे ही चेक किया। एक दिन रात के टाइम में आया था मैं, तो ऐसे ही मैंने टेस्ट करने के लिए जब लिया तो जब खाया तो माशाल्लाह टेस्ट में बेहतरीन है, और जो भी फ्लेवर जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं ये क्वालिटी वाइज हर चीज़ इनकी माशाल्लाह बेहतरीन है। जैसा कि आपने देखा हमने कस्टमर्स के भी रिव्यू लिए और इनसे भी डिटेल में बात की, हमने आपको ये भी दिखाया कि पिज़्ज़ा किस तरीके से तैयार किया और कितनी साफ़ सुथराई है। तो दोस्तों अगर आप लोगों में से भी कोई खाना यहाँ पे आके खाना चाहता है तो देर ना कीजिए, जल्दी आइए। इनकी लोकेशन और इनके कॉन्टैक्ट नंबर हमारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नई चीज़ के साथ। जब तक आप लोग देखते रहिए देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD।